देखो रेडिएशन प्रेशर। अच्छा देखो यहाँ पे पीपीपी आएंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। स्मॉल पी से मोमेंटम बताने वाला हूँ मैं, कैपिटल पी से पावर बताऊंगा और पीआर से प्रेशर बताऊंगा। यहाँ पे तीनों आएंगे इसलिए मैं अभी बता दिया ना, ताकि पीपीपी में कंफ्यूजन हो। मान लो ये लाइट है। अच्छा इंटेंसिटी पता है क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम जूल पर सेकेंड, उसका यूनिट होता है वॉट। इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। ये मेरे ख्याल से सभी को पता है, पावर तुम्हारी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर की यूनिट वॉट, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, पता है सबको इंटेंसिटी। तो मान लो यहाँ पे कोई प्लेट रखी है, इसका एरिया है ए, एक प्लेट रखी है इसका एरिया कितना है ए, इस पर लाइट गिर रही है, लाइट की रेज परपेंडिकुलरली गिर रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है आई, लाइट की इंटेंसिटी दे रही तुम्हें भाई, इतनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है ठीक है, और इसकी वेवलेंथ बता दी भाई, इस लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, और जो प्लेट रखी है उसका एरिया है ए। तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, तुम्हें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द प्लेट पर यूनिट टाइम, बताओ कैसे निकालेंगे। अच्छा बताओ एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होगी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितनी होती है, हमें लैम्डा दिया है, एक फोटोन की एनर्जी होगी एफ सी बाई लैम्डा, एफ सी तो फंडामेंटल यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, यही होगी। तो एन फोटोन्स की एनर्जी कितनी होगी, एन इंटू एफ सी बाई लैम्डा, तो एन फोटोन्स मान लो एन फोटोन्स गिर रहे हैं एक सेकंड में ना, तो ये क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगी। पावर क्या हो जाएगी हमारी, अगर एक सेकंड में एन फोटोन्स गिर रहे हैं तो पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, अगर एक सेकंड में एन फोटोन्स गिर रहे हैं, देखो एक फोटोन में इतनी एनर्जी है, एन फोटोन्स में इतनी एनर्जी है, एक सेकंड में मान लो एन फोटोन्स गिर रहे हैं, या फिर मान लो टी टाइम में एन फोटोन्स गिर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, एनर्जी मतलब टी टाइम में एन फोटोन्स गिर रहे हैं, मतलब टी टाइम में इतनी एनर्जी गिर रही है, और पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। अरे पावर तुम्हारा क्या होता है अभी तो पढ़ा, कितनी एनर्जी गिर रही है, एन एच सी बाय लैम्डा बाय टाइम, और एन वाई टी क्या बताएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। हमने क्या बोला, मान लो टी टाइम में एन फोटोन्स गिर रहे हैं, तो टी टाइम में इतनी एनर्जी गिर रही है ना, और एनर्जी बाय टाइम ही तो पावर होता है, हमें क्या निकालना है, एन वाई टी निकालना था। तो देखो एन वाई टी क्या आ गया अपना, एन वाई टी देखो यहाँ पे क्या आ गया, P lambda y एच सी। अब हमको पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है, अरे पता था दादा, तो पावर क्या हो गई, तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना आ गया, P की जगह आई ए रख देते हैं, आई ए लैम्डा वाई, तो चाहो तो इसको याद रख लेना, ये काम आ जाती है ना, आई ए लैम्डा वाई, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो। बड़े आगे क्वेश्चन लिखो, लाइट ऐसे गिर रही है ना, लाइट की इंटेंसिटी आई और वेवलेंथ है लैम्डा, यहाँ पर एक प्लेट रख दी, प्लेट का एरिया है ए, और प्लेट को किस एंगल पे रखा है, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम। देखो अभी अपन ने निकाला था नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम क्या होता है, आई ए लैम्डा वाई, चलो आई लैम्डा एक्स, तो ठीक है यहाँ पे ए क्या है ये समझो, ये ए प्लेट ऑफ एरिया नहीं है भाई, फोटॉन्स प्लेट पे थोड़ी ना है, फोटॉन्स तो लाइट पे है, तो ये ए का मतलब क्या है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट गिर रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हमें तो पता है इतनी लाइट गिरने वाली है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना होगा ये बताओ, तो अगर ये है तो ये वाला होगा ए कॉस थीटा, तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे, इसको ए डैश बोलते थोड़ी ना, अपन इसको ए बोल दिया ना तो कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डैश की जगह क्या आ जाएगा, आई ए कॉस थीटा लैम्डा वाई एच सी, बस एरिया की जगह ए कॉस थीटा लेंगे, क्यों हमें वो देखना है कि भाई लाइट कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया की गिर रही है ना। चलो जल्दी से बता दो, यहाँ पे बता दो जल्दी से, एक और ये है इसका एरिया है मान लो ए, और लाइट ऐसे गिर रही है, लाइट ऐसे गिर रही है, और ये एंगल है थीटा, इंटेंसिटी आई लैम्डा एल, तो आप बताओ एन वाई टी कितना होगा, जल्दी से करो करें फिर। देखो ये एरिया हमको तो क्या लेना है, देखो हमको कौन सा एरिया लेना है, जो लाइट गिर रही है उसका क्रॉस सेक्शनल, मतलब उसका परपेंडिकुलर एरिया, तो उसका परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, यही होगा, तो हमको तो ये वाला एरिया चाहिए, समझ में आ रहा है, अगर ये थीटा है तो ये नाइन, ये परपेंडिकुलर एरिया लेना है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये कितना हो जाएगा, तो अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया कितना हो जाएगा, अगेन कितना हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन बदल के दे दिया, कुछ नहीं करा, सेम ही क्वेश्चन है, तो कर लोगे अब नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलोइंग पर यूनिट टाइम सब निकाल लेंगे। अच्छा फोटोन्स प्लेट के ऊपर है कि जो लाइट आ रही है उसमें है, लाइट की बीम में है फोटोन्स, लाइट की बीम में है ना, तो कितने फोटोन्स को डिपेंड करता है कि कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया की लाइट ले रहा हूँ, जैसे इतने एरिया में ज्यादा फोटोन्स होंगे कितने एरिया में होंगे, कितने एरिया में होंगे, जितना बड़ा एरिया होगा, और एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसका परपेंडिकुलर एरिया है ना, लाइट इधर जा रही है तो उसका परपेंडिकुलर एरिया ले रहे हैं ना, तो जितना ज्यादा एरिया लेंगे उतने ज्यादा फोटोन्स होंगे, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उतनी ज्यादा लाइट होगी। यहाँ पर हमको तो प्लेट का एरिया दिया है, प्लेट पे थोड़ी ना फोटोन्स तो लाइट में है, तो लाइट का एरिया देखते हैं तो कितने एरिया की लाइट इस पे गिरने वाली है, तो देखो इतनी ही लाइट तो गिर रही है, जो इसके बाहर वाली लाइट होगी वो थोड़ी ना प्लेट पे गिरेगी, जो लाइट यहाँ पे आ रही होगी वो थोड़ी ना प्लेट पे गिरेगी, प्लेट पे तो इस एरिया वाली लाइट गिर रही है, देख लो तुम, इसके अलावा जो बाहर की लाइट है वो प्लेट पे गिरी नहीं रही। देखो प्लेट पहले तो ये है ना, और प्लेट के साथ कुछ भी नहीं करा हमने, हमने देखा है कि भाई कितने एरिया की लाइट इस प्लेट पे गिर रही है, तो हमने देखा भाई, तो हमने इसका परपेंडिकुलर बनाया, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी भी लाइट है, देखो इधर से निकल के भी इस प्लेट पे गई, इधर से निकल के भी प्लेट पे गई, यहां से निकल के भी, यहां से निकल के भी, यहां से निकल के भी प्लेट पे गई, इससे बाहर वाली प्लेट पे जा रही है क्या, तो मतलब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी लाइट है सिर्फ वही लाइट इस प्लेट पे गिर रही है, तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको लेंगे ना हम,
और ये ए है तो ये cos theta निकल के आ रहा है। आया समझ में? कोई भी डाउट है किसी को? नहीं है। अगले क्वेश्चन का मान लिए मिरर है और मिरर भी कैसा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब अगर 100 जूल एनर्जी गिरेगी तो 100 जूल एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, जितनी लाइट गिरेगी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा ये। तो इसमें अपने लाइट गिराई, गिरा दो भाई लाइट गिरा दो। लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, इंटेंसिटी है आई, तो फाइंड प्रेशर ऑन द मिरर, मिरर का एरिया ले लो ए है, फाइंड द प्रेशर ऑन द मिरर। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर। क्यों रेडिएशन? मतलब लाइट, देखो अभी देखना लाइट के पार्टिकल में मोमेंटम होता है, फोटोन में, फोटोन का मास नहीं पर मोमेंटम होता है, तो फोटोन और फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अरे फोर्स तुम्हारा क्या होता है, डीपी बाई डीटी तो होता है फोर्स, समझ में आ रहा है क्या? तो लाइट के पार्टिकल में फोटोन, मतलब फोटोन में मोमेंटम होता है और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ही फोर्स होता है, तो फोटॉन्स भी फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, वो कम होता है इसलिए हमें फील नहीं होता, ठीक है। लेबोरेटरी कंडीशन में इसका ध्यान रखा जाता है, अगर वैक्यूम में हम एक पेपर वगैरह कुछ रखते हैं और उसमें फोटोन गिराते हैं तो वो मूव करने लगता है, मतलब जो लाइट है, जो रेडिएशन है, वो भी फोर्स लगा रही है, वो भी प्रेशर लगा रही है, और उसी को हम निकाल रहे हैं इस केस में। बताओ कैसे करो? मान लो नीचे वाला डायरेक्शन मान लेते हैं, ऊपर वाला मान लो पॉजिटिव है, नीचे वाला मान लो नेगेटिव है ना, तो पी पी इनिशियल कितना है तुम्हारा बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना है नीचे के डायरेक्शन में, माइनस एच बाय लैम्डा, फाइनल मोमेंटम कितना है एच बाय लैम्डा। भाई मोमेंटम वेक्टर है, ऐसा नहीं है कि जीरो हो गया, उसका मैग्नीट्यूड चेंज जीरो हुआ है, पर मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के साथ करना है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया एच बाय लैम्डा, पी फाइनल है। अच्छा पी फाइनल पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर वाला पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव मान रहे हैं, तो इनिशियल वाला नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस एच बाय लैम्डा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है 2h / लैम्डा। सबसे पहली बात, एक फोटोन का मोमेंटम है ना, तो जब वो टकरा के वापस जा रहा है, एक फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है 2h / लैम्डा है ना, पर जो फोर्स होगा, जो अपन फोर्स लिख रहे हैं dp / dt, वो तो सबके वजह से होगा, तो एक की वजह से कितना चेंज हुआ है 2h / लैम्डा, पर ऐसे एक सेकंड में कितने फोटोन गिर रहे हैं, मान लो n फोटोन गिर रहे हैं, तो अभी अपन ने n / t लिखा था, dn / dt लिख दो, क्योंकि dp / dt लिख रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, dn / dt क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग पर यूनिट टाइम, देखो ये आएगा क्या, अरे फोर्स क्या है, चेंज इन टोटल मोमेंटम / टोटल टाइम, एक फोटोन का कितना चेंज हुआ 2h / लैम्डा, n फोटोन का कितना चेंज होगा 2h / लैम्डा * n, और टाइम से डिवाइड करा दो, वो भी कर दिया, n की जगह बस dn लिख दिया इस बार, समझ में आ गया। प्रेशर क्या होता है, अच्छा dn / dt पहले तो कर लेते ना, 2h / लैम्डा, dn / dt अपन ने अभी निकाल रखा है ऑलरेडी, क्या था I a लैम्डा / hc, hc गया लैम्डा से लैम्डा गया, फोर्स कितना आया 2ai / हमको पता प्रेशर कितना होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर कितना निकल के आ गया 2i / रेडिएशन प्रेशर हमारा 2i / c, ठीक है देखो कोई बात नहीं। चलो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, ये सरफेस अभी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग दिया था, अब मान लो ये सरफेस तुम्हारा परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ब्लैक बॉडी मान लो, क्या है ब्लैक बॉडी मतलब जितनी गिरेगी सब एब्जॉर्ब हो जाएगी, अब बताओ प्रेशर कितना होगा, है ना, क्योंकि इस बार फर्क क्या पड़ेगा, बस इस बार ये फॉर्म टकराएगा और रुक जाएगा, इस बार फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया तो ये तुम्हारा एच बाई लैम्डा आएगा, चेंज इन मोमेंटम 2h / लैम्डा की जगह कितना हो गया एच बाई लैम्डा, तो बस 2 मिटा दो तो प्रेशर आ गया 2i / आई / c आ गया ना, तो जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो 2i / c था प्रेशर, जब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो i / c, नहीं आ रहा समझ में? चलो मान लो ये जो सरफेस है इसकी एब्जॉर्प्टिविटी है a, एब्जॉर्प्टिविटी पढ़ा होगा जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, पता है एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है, जितनी एनर्जी फॉल कर रही है उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये एब्जॉर्प्टिविटी तुम्हारी होती है इंटेंसिटी एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेंसिटी फॉलिंग, इंसिडेंट इंटेंसिटी है ना, ये क्या है इंटेंसिटी एब्जॉर्ब, ये क्या है इंटेंसिटी इंसिडेंट जो फॉल कर रही है, रिफ्लेक्टिविटी होती है इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड बाय इंटेंसिटी फॉलिंग, तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं दो ही चीजें हो रही है, एब्जॉर्ब हो रहा है और बाकी क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब मान लो ये एब्जॉर्प्टिविटी मान लो 0.3 है, एब्जॉर्प्टिविटी मान लो कितनी है 0.3, तो इसका मतलब क्या, अगर तुमने 100 जूल लाइट डाली तो 30 जूल एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी 70 जूल वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्टिविटी ए प्लस आर कितना होता है तुम्हारा 1, तो रिफ्लेक्टिविटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस ए, तुम्हें तो ए दिया है क्वेश्चन में, एब्जॉर्प्टिविटी कितनी दी है ए, तो आप बताओ प्रेशर कितना होगा। अब इन दोनों डेटा को यूज करके निकाल लो, है ना, कि जैसे रिफ्लेक्शन वाले केस में 2i / c था, एब्जॉर्प्शन वाले केस में i / c था, अब सीधा इसको यूज करके निकालो क्या आएगा। चलो देखो यहाँ पे तो हमें प्रेशर निकाले, हमने देखा भाई जब परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है उस केस में प्रेशर कितना होता है, जब रिफ्लेक्शन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए प्रेशर कितना था 2i / c, पर इस बार जो आई इंटेंसिटी है सारी की सारी थोड़ी ना रिफ्लेक्ट हो रही है, तो मान लो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसको आई आर बोलते थे, और एब्जॉर्प्शन के केस में प्रेशर कितना था आई / c, अब सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, मान लो इसका कुछ एक आई ए वाला पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, ये समझ में आएगा, जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है इंटेंसिटी वो आई आर ले ली, जितनी एब्जॉर्ब हो रही है आई ए ले ली, अब आई आर देखो यहाँ से कितना है आर इंटू आई आई R into, और इंटेंसिटी आई ये क्या है इंसिडेंट इंटेंसिटी, उसको हमने क्या माना यहाँ पे आई, तो इसको आर इंटू आई लिख सकते हैं क्या, देखो रिफ्लेक्टेड कितना होगा रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी इज रिफ्लेक्टिविटी इंटू इंसिडेंट इंटेंसिटी प्लस आई ए को क्या लिख सकते हैं वहां से देखो ए इंटू आई एब्जॉर्प्टिविटी इंटू इंसिडेंट इंटेंसिटी, अब हमारा देखो आर क्या है यहाँ से 1 माइनस है, देखो यहाँ से कितना हमारा आई / सी तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2 आर कितना है तुम्हारा
वन माइनस ए प्लस ए, तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा आई बाई सी टू माइनस टू ए प्लस ए, तो प्रेशर कितना आ गया आई बाई सी टू माइनस ए, ये तुम्हारा प्रेशर आ गया इसके। ये समझ में आ गया ये क्या लिखा है, ये समझ में आया एब्जॉर्प्टिविटी क्या होता है, कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया इंसिडेंट का, और ये बता रहा है कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया, तो आई आर कितना आएगा आर इंटू आई, इंसिडेंट इंटेंसिटी देखो आई दी गई है ना, इंसिडेंट जो रहे उसकी इंटेंसिटी आई दी गई है हमें, तो आई आर कितना आ जाएगा आर इंटू आई, आई आर की जगह आर इंटू आई लिख दिया, आई ए की जगह ए इंटू आई लिख दिया, और आर देखो यहाँ से वन माइनस ए है, आर तुम्हारा वन माइनस ए था तो आर की जगह पे वन माइनस ए रख दिया, बाकी कॉमन ले लिया। ये मान लो यहाँ पे दो तरीके, मान लो ऐसा सोच लो कि जो आई आई क्या है आई आई आर प्लस आई है, ये तो दिख रहा है, देख लो इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस आई आ रहा है ए प्लस आर क्योंकि वन होता है, तो मान लो जो आई आर इधर पे मान लो आई आर गिर रही है और इधर पे आई ए गिर रही है, ऐसे मान लो दो पार्ट में मान लो, तो आई आर वाले के कारण कितना आ रहा है टू आई आर बाई सी, एब्जॉर्ब वाले के कारण आई ए बाई सी आ रहा है, इसको मान लो आधार मान लो प्लेट के इतने वाले पार्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है और इतने वाले पार्ट पे प्योर एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऐसा मान लो, तो आई आर वाली जो है उसके साथ प्योर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके कारण कितनी आएगी टू आई आर बाई सी। अरे असलियत में वो मिक्सड पर हो तो यही रहा है ना, अगर 100 फोटोन गिर रहे हैं मान ले एब्जॉर्प्टिविटी 0.3 है, तो अगर 100 फोटोन गिर रहे हैं तो 30 फोटोन एब्जॉर्ब कर लिए जा रहे हैं और 70 फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब उनको तो ऐसे ऐसे एक एक करके मान ले एक रिफ्लेक्शन एक एब्जॉर्प्शन एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्लेक्शन फिर एब्जॉर्प्शन ऐसे मान ले अलग अलग मान ले क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई 30 फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो उनके कारण तो यही आएगा ना फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन वाले के कारण, और रिफ्लेक्शन वाले के कारण ये आएगा फॉर्मूला। अगर एब्जॉर्प्टिविटी 0.3 दी है तो अगर 0.4 दी है 0.9 भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू पे, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये रियलिस्टिक क्वेश्चन हो गया क्योंकि असलियत में जो सरफेस होते हैं ना तो वो 100% रिफ्लेक्ट करते हैं ना 100% एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी कुछ एब्जॉर्प्टिविटी होती है, तो ये रियल केस सिनेरियो हो गया, तो उसका इसमें रेडिएशन प्रेशर इतना होगा। इसका एरिया ए और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है और इस पर लाइट गिर रही है, अब वो दो कंसेप्ट अपने पढ़े थे ना दो को कंबाइन करते रहे थोड़ा सा, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा इंटेंसिटी आई और ये एंगल ले लो ये एंगल है थीटा, फाइंड द रेडिएशन प्रेशर ऑन द मिरर, तो करें फिर तुमसे नहीं हो रहा ना। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो फोटोन कितने एरिया में गिरे हैं, बीम के इतने एरिया में जो फोटोन्स आ रहे हैं वही होंगे यहाँ पे, जितने फोटोन्स इस एरिया में आ रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में वही इस पर गिरेंगे सरफेस पे, इधर वाले नहीं गिर रहे इसके बाहर वाले भी नहीं गिर रहे, समझ में आ रहा है, तो बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा ए कॉस थीटा, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना आ गया हमारा निकल के आई ए, ए क्या लेंगे ए कॉस थीटा लैम्डा वाई एक्स, ये आ गया कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, अब ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है ना, सबसे पहले तो भाई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो होता ही है, तो जब लाइट टकराएगी लाइट कितने एंगल पे गिर रही थीटा एंगल पे, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो कितने एंगल पे होगी थीटा पे, तो इनिशियली लाइट का मोमेंटम एक फोटोन माने एक फोटोन का मोमेंटम इस डायरेक्शन में पी है और फाइनली इस डायरेक्शन में पी है, यही तो है फोटोन का मोमेंटम, है चेंज इन मोमेंटम ही निकालना है ना क्योंकि फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ एक फोटोन का वो निकालते हैं ना, सबसे पहले तो एक फोटोन की देखते हैं ना वन फोटोन के साथ क्या हुआ, तो बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है एक फोटोन का, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा ये पी है तो इस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा, नहीं आ रहा समझ भाई पी इस डायरेक्शन में है ना और थीटा कौन सा एंगल दिया तुमको थीटा दिया ये वाला एंगल थीटा दिया देखो तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा P cos थीटा और इस डायरेक्शन में क्या आएगा कंपोनेंट तो आते हैं ना निकालना, तो क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप में लिख देंगे इसे, अगर x डायरेक्शन मान ले इसे y डायरेक्शन मान ले तो क्या हो जाएगा ये P cos थीटा आई कैप माइनस P sin थीटा जे कैप, देखो ये लिखेंगे मोमेंटम है ना, P फाइनल लिखे फाइनल मोमेंटम लिखे तो देखो फाइनल इस डायरेक्शन में चला गया मतलब फाइनल कुछ ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में और एंगल थीटा यहाँ से बना रहा है, ये इनिशियल वाला है ये फाइनल वाला है ना, तो फाइनल वाले का यहाँ पे कितना आ जाएगा इधर पे P cos थीटा, मैंने गलत लिख दिया फिर तुम लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो ऐसे गधे हो ना, माइनस P cos थीटा प्लस P sin थीटा चाहिए क्या, अभी भी गलत है तुम भी ठीक है, देखो इधर पे सबसे पहले तो भाई इधर इस डायरेक्शन में मोमेंटम है यहाँ पे कितना है P cos थीटा यहाँ पे कितना आया ठीक है, ये इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट निकालिए फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट निकालिए ना, इनिशियल मोमेंटम देखो x डायरेक्शन में कितना है P sin थीटा तो क्या आएगा तुम्हारा P sin थीटा आई कैप और y डायरेक्शन में देखो नेगेटिव y में P cos थीटा है तो माइनस P cos थीटा जी कैप, देखो यही आएगा कि इनिशियल देख लो ये पॉजिटिव x में है और ये नेगेटिव y में, तो इसके साथ आई कैप लगाया इसके साथ माइनस जे कैप लगाया, इसमें क्या होगा इसके साथ आई कैप और इसके साथ जे कैप दोनों पॉजिटिव x और y में, तो P फाइनल हो जाएगा P sin थीटा आई कैप माइनस प्लस P cos थीटा जे कैप, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है हमको तो वो होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो I वाला तो कट गया क्यों क्योंकि पता है x डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा, जब टकराते हैं तो मोमेंटम से y डायरेक्शन में चेंज करता है, दिख रहा है ना,
तो वाई डायरेक्शन में कितना आ गया भाई, इसमें से इसको माइनस करा जीरो, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ टू पी कॉस थीटा जे कैप। और डायरेक्शन क्या है, मोमेंटम चेंज होने का, इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ, समझ में आ रहा है क्या? तो फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डीटी। अपन को डायरेक्शन तो पता ही है, फोटोन इस पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और मिरर फोटोन पे ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन सीधा ऐसे ही कर देते हैं, वेक्टर हटा दो, अपन को मैग्नीट्यूड मिल गया है, डीपी बाई डीटी। याद रखना ये तो एक का है, ऐसे कितने हैं, डीएन बाई डीटी, हर एक सेकंड में ऐसे डीएन गिर रहे हैं ना, और एक का कितना चेंज हो रहा है, टू पी कॉस थीटा। और डीएन बाई डीटी देखो हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, है ना, डीएन बाई डीटी यहाँ पे निकाल रखा है ना, इसको रख दो यहाँ पे। तो फोर्स कितना आ गया अपना बताओ, डीएन बाई डीटी है आई ए कॉस थीटा लैम्डा वाई एच सी, और ये तुम्हारा कितना है, टू पी कॉस थीटा, और पी इज नथिंग बट एच वाई लैम्डा। अरे पढ़ा तो है ये, एक मोमेंटम का है ना, एक फोटोन का मोमेंटम एच वाई लैम्डा होता है। तो देखो क्या क्या कट गया, एच से एच गया, और कुछ कट रहा है नहीं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया तो क्या, तो आ गया तुम्हारा टू आई वाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा कैसे ले लिया, ये परपेंडिकुलर है ना इसपे, तो ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा आएगा ना, एरिया का कंपोनेंट। जैसे लेंथ, अगर मान लो इसकी लेंथ एल है, तो यहाँ पे कितनी आएगी, एल कॉस थीटा। मान लो दोनों की विड्थ तो सेम है, डब्ल्यू है इधर भी डब्ल्यू है, तो विड्थ तो सेम रह रही है, विड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा, ये थीटा कैसे आ गया है, देख भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा है तो, अरे ये देखो ना, इसको क्यों मारो, इससे भी भूल जाओ, या इससे हम नहीं देख रहे ना, ये वाला थीटा है तो ये वाला 90, ये थीटा आ जाएगा, समझ गए, बड़े आगे।